हे गाइस, टाइम आ गया है कि मैं मेरे गिटार की स्ट्रिंग्स चेंज करूं. एंड इफ़ यू प्ले गिटार, आपको पता होगा कि न्यू स्ट्रिंग्स को ट्यूनिंग पैक्स पे वाइंड करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है विदाउट ए स्ट्रिंग वाइंडर. स्ट्रिंग स्लिप होती है या इवनली फिट नहीं होती. तो इसे सॉल्व करने के लिए गिटार स्ट्रिंग वाइंडर्स मिलता है जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है. बट जैसे कि आपको पता है कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है, सो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो वेलकम टू रीथ डिफाइन. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू 3D प्रिंटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें. सो लेट्स बिगिन. गिटार स्ट्रिंग वाइंडर एक टूल है जो स्ट्रिंग्स को जल्दी वाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. सो चलिए इसे डिज़ाइन करते हैं. पहले हम इसका हेड बनाएंगे जो गिटार के ट्यूनिंग पैक्स पर जाएगा. ये मैं स्लाइटली बड़ा बना रहा हूँ जस्ट टू बी सेफ, या किसी को ये मॉडल डाउनलोड करना होगा और उनके ट्यूनिंग पैक्स अगर बड़े होंगे तो इसके लिए मैं थोड़ा ये बड़ा ही बना रहा हूँ. वंस दी हेड इज़ रेडी, अभी मैं इसका हैंडल बनाऊँगा. इस हैंडल पे ये स्लिप ना हो इसलिए मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ. इनिशियली मैं डायमेंशंस बड़े रख रहा हूँ बट एंड में मैं सबको ऑप्टिमाइज कर दूंगा. हैंडल होने के बाद मैंने एक पिन बनाई है जो हैंडल और बॉडी को होल्ड करके रखे बट दोनों में फ्री रोटेशन अलाउ करे. मैंने बॉडी के अंदर वाले पार्ट को थोड़ा पुल किया है ताकि वो पिन लेवल के नीचे चले जाए और वाइंडिंग करते वक्त साइड वाले ट्यूनिंग पैक से हिट ना करे. सो दी डिज़ाइन इज़ रेडी, अभी हम इसे स्लाइस करके प्रिंट करेंगे. आई एम यूजिंग ABS टू प्रिंट देम. आप इसमें PLA का भी यूज़ कर सकते हो, वट एवर यू फील इज़ गुड. स्लाइसिंग होने के बाद हम इसे प्रिंट कर देंगे. आप स्क्रीन पर सारे प्रिंट डिटेल्स भी देख सकते हो. सो द प्रिंट्स आर कंप्लीटेड. सो जैसा कि आपने इसके डिजाइनिंग वीडियो में देखा, हमने 3 पार्ट में किया है, दी हैंडल, दी हेड एंड दी कनेक्टिंग पिन. अभी हम इसे असेंबल करेंगे. सो आप जैसे देख सकते हो द पिन एंड द हैंडल आर फिक्स्ड बट दी हेड हैज अ फ्री रोटेशन. अभी इसे सिक्योर करने के लिए या से मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सुपर ग्लू लगाऊंगा जिससे ये परमानेंटली फिक्स हो जाएगा. सो नाउ वी विल पुट इट टू द टेस्ट और देखते हैं कि क्या ये अच्छे से वर्क करता है. सो जैसा कि आप देख सकते हो, इट वर्क्स वेरी वेल. शायद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने जो पहले जो स्ट्रिंग्स लगाए थे वो विदाउट स्ट्रिंग वाइंडर था और उसके लाइक लूप्स इतने क्लीन और अच्छे नहीं दिख रहे थे, बट अभी वाले बहुत अच्छे दिख रहे हैं. This is yet another example how 3D printing can be used in real life. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching the video. Please share the video, like the video, and if you are not yet subscribed to the channel, please subscribe ताकि आप कोई new 3D printing related content miss ना करें. So thank you for watching. Keep printing.